रायपुर के धर्म संसद में गांधी को अपशब्द कहने के बाद कालीचरण महाराज ने जारी किया वीडियो, कहा उन्हें अपशब्द कहने पर कोई अफसोस नहीं। अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर FIR दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए, विश्वासघात किया है देश का। कालीचरण का वीडियो सामने आने के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान, कहा अगर कालीचरण को सजा का डर नहीं तो वो सरेंडर कर खुद को कानून के हवाले कर दें। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टलना तय, विधिक सलाह के बाद चुनाव आयोग लेगा फैसला, ओबीसी आरक्षण याचिका में केंद्र सरकार बनेगी पार्टी। एमपी की 6000 से अधिक कॉलोनियां होंगी वैध, लोगों को बिल्डिंग निर्माण की परमिशन मिलेगी, बैंक लोन भी मिल सकेगा, सरकार ने नियमितीकरण के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। एमपी के स्वास्थ्य सुविधाओं में 5 साल से सुधार नहीं, 19 बड़े राज्यों में नीचे से तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश से नीचे सिर्फ यूपी और बिहार। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में उछाल, छत्तीसगढ़ में कोरोना के 49 नए मरीज मिले तो वहीं इंदौर में 27 और भोपाल में 8 पॉजिटिव केस मिले। दुर्ग में कोरोना से साहू समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष अयोध्या प्रसाद की मौत, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 650 के पार, सोमवार को नए वेरिएंट के 70 से ज्यादा केस सामने आए। महाराष्ट्र में 26, गुजरात में 24 और तेलंगाना में 12 नए वेरिएंट के मरीज सामने आए, सोमवार को मणिपुर और गोवा में भी नए वायरस ने दस्तक दी। मणिपुर गोवा में एक एक संक्रमित, गोवा में मिला 8 साल का बच्चा, कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन से लौटा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 167 और दिल्ली में 142 मरीज, नए वेरिएंट का वायरस अब तक 20 राज्यों में फैल चुका है। 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू, 3 जनवरी से बच्चों का टीकाकरण शुरू। 15 से 18 साल तक के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन लगाई जाएगी, बच्चों के टीकाकरण के लिए ऐप से रजिस्ट्रेशन। बच्चों की स्कूल आईडी भी पहचान के तौर पर मान्य होगी, देश में 15 से 18 साल तक के एज ग्रुप के करीब 11 करोड़ बच्चे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक, बच्चों के वैक्सीनेशन और हेल्थ वर्कर्स के प्रिकॉशन डोज पर चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक थोड़ी देर में होगी शुरू, सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और अधिकारियों के साथ होगी मीटिंग। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता को लेकर एमपी में तैयारियां तेज, प्रदेश की टीम का भिंड में हुआ सिलेक्शन। कटनी में हाईटेक तरीके से चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 लाख नकद समेत सोने चांदी के जेवरात बरामद किए।